हाय, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड्स। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज नेम होना चाहिए या फिर फ्लिपकार्ट बिग फेक सेल डेज सेल नाम होना चाहिए। मतलब हुआ क्या, सैमसंग गैलेक्सी F62 फोन का प्राइस होने वाला था सेल में 20,000 रुपये, जो कि 20,000 हुआ भी था। मैं 8 GB वाले वेरिएंट के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी आप लोग चेक करेंगे फ्लिपकार्ट पे तो इस फोन का प्राइस दिखेगा 26,000 रुपये। मुझको कैसे पता लगा कि इस फोन का प्राइस हो चुका है 26,000 रुपये? बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि भाई, इस फोन में ऑफर खत्म हो गया क्या? मैंने सोचा आज से तो उस फ्लिपकार्ट पे सेल ही स्टार्ट हुआ, आज कैसे खत्म हो सकता है। तो ठीक, मैं फ्लिपकार्ट पे जाके देखता हूँ तो इस फोन का प्राइस हो चुका है 26,000 रुपये। मैं आप लोग को फिर से बताना चाहूंगा कि मैं 8 GB वाले वेरियंट के बारे में बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मतलब कि इसमें तो ऑफर आया ही नहीं। मतलब सब कोई अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। बहुत कोई बोल रहे हैं कि इसका तो 26,000 ही मुझे प्राइस दिख रहा है, 20,000 तो इसका मुझे प्राइस दिख ही नहीं रहा है। जब आपको सैमसंग गैलेक्सी F62 फोन 20,000 में देना ही नहीं था, तो ओवर हाइप क्यों क्रिएट किया गया है फ्लिपकार्ट की तरफ से? ऐसा किसने किया, सैमसंग ने किया, सेलर ने किया या फिर फ्लिपकार्ट ने किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन भैया, ऐसा क्यों होता है, जबकि वहां प्राइस दिख रहा था पहले ये फोन जो है 20,000 में मिलने वाला है, लेकिन अभी सबको मिल रहा है कितने में, 26,000 रुपये में। लोगों ने ये उम्मीद किया था कि इसका फोन, मतलब इस फोन का प्राइस होगा 20,000 रुपये, मैं परचेस कर लूंगा, क्योंकि 20,000 रुपये में मेरे विचार से ये एक अच्छा फोन होने वाला था आप लोग के लिए। लेकिन दोस्तों, इस फोन का 26,000 रुपये लगाना, मतलब मेरे नजर से देखें तो आप लोग बेवकूफी ही होगा। मतलब कि 26,000 रुपये में इससे अच्छा फोन अवेलेबल है मार्केट में, मी 11X वगैरह 26 से 27,000 में मिल जाता है। कार्ड वगैरह को यूज़ करके हम लोग मी 11X को 26 से 27,000 में ले सकते हैं, या फिर 27,000 रुपये प्राइस है Realme X7 Max, जो कि इससे कई गुना ज़्यादा बेटर, मतलब कि पावरफुल फ़ोन है, क्योंकि इससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है उस फ़ोन में, और वह फ़ोन जो है 5G के साथ भी आता है। मैंने भी इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया था, सैमसंग गैलेक्सी आप लोग ले सकते हैं मात्र 20,000 रुपये से। बहुत सारे लोग गलत ही सोचेंगे ना मेरे बारे में, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि ये फ़ोन का प्राइस होने वाला है 20,000 रुपये में। पहले वहाँ पे फ्लिपकार्ट का पोस्टर भी आ चुका था, मतलब सैमसंग गैलेक्सी F62 का पोस्टर आ चुका था। पोस्टर बोलते हैं या फिर लैंडिंग पेज बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वहाँ पे साफ साफ फ्लिपकार्ट पे दिख रहा था कि ये सेल में मिलेगा मात्र 20,000 रुपये में। तो दोस्तों, मेरे विचार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम लोग काफी उम्मीद बनाए थे कि 20,000 रुपये इसका प्राइस होगा तो मैं इसको परचेस करूंगा, तो मेरे विचार से गलत है। अब आप लोग का क्या मानना है, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए आज का वीडियो में बस इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।